हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले वीडियो में जो फिजिक्स का मैं आपको फिजिक्स के वीडियो में जो मैंने बताया था आपको गोलीय दर्पण में भगवतात्री और फोकाद्री में संबंध, ठीक है? तो बताया था मैंने किसी गोलीय दर्पण में चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो, जो उसकी फोकस दूरी है उसकी भगवतात्री क्या होती है? आधी होती है, अर्थात एफ बराबर आर बटा दो। इस चीज़ को मैंने आपको उस दिन साबित कराया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिबिंब का निर्माण होता कैसे। पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आखिर प्रतिबिंब का निर्माण होता कैसे है? प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है, ध्यान देंगे बाबू। जब कोई भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण समझ लें, ठीक है? प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है समझ लेंगे अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। ध्यान देंगे बाबू, मुख्य अक्ष है, यानी हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है? ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण, ठीक है? ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर समांतर समांतर, ठीक है, चलने वाली आपतित किरण, ये हो गया कौन? किरण, आपतित किरण। मुख्य के समांतर चलने वाली आपतित किरण अवतल दर्पण से अवतल दर्पण हो गया, ठीक है? इससे परावर्तन हुआ, परावर्तन हो गया के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ध्यान देंगे बाबू, मुख्य अक्ष में एग्जाम में पूछेगा आपसे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? तो जवाब क्या देंगे? मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। पूछेगा एग्जाम में अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? जवाब क्या देंगे? मुख्य फोकस से। कहां से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर। ये देखिए, यहां से होकर गुजर गया, ये चला और इधर से रिटर्न आ गया, ठीक है? बात करेंगे दो नंबर पॉइंट्स के बारे में। जब बाबू, जब भी फोकस से होकर गुजरेगा कोई किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर परावर्तक सतह यानी फोकस हो गई, जो ये सेम उल्टा होता है इसका, ये जब चलता है समांतर किरण और मुख्य अक्ष के समांतर जब पड़ता है दर्पण पर तो परावर्तन होता है, तो फोकस से गुजरता है। और जब फोकस से चलेगा दर्पण पर जाकर टकराएगा तो वहां से चलेगा तो किधर से गुजरेगा? यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। कहां से जाएगा? मुख्य फोकस के समांतर। किसके? वो कहां से जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। कहां से जाता है बाबू? मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। देखिए बाबू, ये गया किरण, ये फोकस हो गया, ये अवतल दर्पण है, इसका ये मुख्य फोकस है। क्या? ये मुख्य अक्ष है। इससे गया और जिससे टकराया था रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये बाबू देखिए, तो ये किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के समांतर है। फिर से समझ लिए, अवतल दर्पण के जो भी किरण फोकस से होकर परावर्तक की सतह फोकस से होकर जब परावर्तक सतह पकड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा? परावर्तक सतह पर। तब जो प्रकाश से किरण होगा कहाँ से निकल जाएगा? दर्पण के मुख्य अक्ष से। कहाँ से? मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। बात करेंगे तीन नंबर पॉइंट्स के बारे में। याद रहेगा बाबू, जो किरण दर्पण के कहाँ पड़ता है? वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, होकर परावर्तक सतह पर पड़ता है, तो परावर्तन के बाद क्या होता है? उसी रास्ते से वह वापस लौटता है, यानी कि जिधर से आएगा उन्हें फिर चला जाएगा। जिधर से मान लीजिए आया इधर, ये हो गया दर्पण, समझ गए? ये हो गया दर्पण, ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष। और मान लीजिए यहां से आके यहाँ पे टकराया, फिर ये इधर जैसे ही गया है फिर उधर से टकरा के वापस आ जाएगा। समझ गए? मेरे ख्याल से समझ एग्जाम पूछेगा, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है परावर्तक सतह पर जब पड़ता है तब क्या होता है? जिधर से जाता है उधर ही वापस लौट जाता है। एग्जाम में पूछेगा, जे दर्पण के या अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजर कर परावर्तक सतह पर जो किरण आती है, जो किरण पड़ती है परावर्तन के बाद, कहां से होकर गुजर जाती है? तो बाबू उसी रास्ते से, यानी कि जिधर से आता है उधर ही फिर वापस लौट जाता है। आगे बात करेंगे चार नंबर पॉइंट्स के बारे में। इसमें जो किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है, कहां पर आपतित होता है? ध्रुव पर। ये हो गया हम लोग का ध्रुव। ध्रुव पर आपतित होता है यानी कि ऊपर पड़ जाता है, पड़ जाता है, तो वह क्या होता है बाबू? परावर्तन के बाद क्या होता है? परावर्तन के परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है बाबू? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पालन करता है। एग्जाम में पूछेगा, किसी अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण जब होती है वह प्रकाश के परावर्तन नियमों का पालन करती हुई क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। क्या होती है?
परावर्तित होती है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये देखिए हम लोग का, ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण, ठीक है, क्या हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया हम लोग का मुख्य फोकस और ये हो गया ध्रुव, ये हो गया ध्रुव, यहाँ पे जैसे पड़ा फिर ऐसे आ गया, यानी कि हो गया ये आपतित किरण, कौन किरण आपतित किरण, ये कौन हो गया परावर्तित किरण, ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आपतन कोण को आई से स्वीप करते हैं, अपवर्तन कोण को आर से, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, याद रहेंगे बाबू, मुख्य रेखा समांतर चलने वाली आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से, कहां से होकर गुजरती है मुख्य फोकस से गुजरती है। दो नंबर पॉइंट पूछेगा, फिर से एक बार समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण जब अवतल दर्पण से परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरता है, तो मुख्य फोकस से, कहां से होकर गुजरता है मुख्य फोकस से। आगे बात करेंगे, फिर पूछेगा अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाता है बाबू, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलाता है, कहां चलाता है बाबू मुख्य, जिस तरह मतलब मुख्य अक्ष होगा उसी के समांतर क्या होगा अवतल दर्पण का जो आपतित किरण होगा, ठीक है, आगे बात करेंगे। जो किरण वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र से जाती है वह परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी रास्ते से जिधर से वो आता है, यानी मान लीजिए इधर से आ रहा है फिर नहीं चला जाता है, ये भाई जी इधर से आए और फिर भाई जी इधर चले जाएंगे, ठीक है। जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा परावर्तन के बाद, जब परावर्तन होगा तो क्या होता है वो वहां से जहां से आता है उधर ही क्या होता है वापस लौट जाता है। बात करेंगे चार नंबर, अवतल दर्पण का जो भी अवतल दर्पण का जो ध्रुव पर जब आपतित किरण पड़ेगी तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए क्या होगी परावर्तित होगी, अर्थात ये कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। क्लियर समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए।